everyone and welcome to our channel Desi Couple on the Go, जिसमें मैं मेघा और सौरभ जो कैमरा के पीछे है लेके जाते हैं आपको बहुत सारे places. But आज जहाँ लेके जाने वाले हैं ना वो बहुत ही different है. Actually हम करने वाले हैं grocery shopping. और ऐसे ग्रॉसरी शॉपिंग तो हम आपको बहुत बार दूसरी कंट्रीज़ की दिखा चुके हैं, जिसमें हम जाते हैं किसी ग्रॉसरी स्टोर में और वहाँ से पूरा सामान खरीदते हैं और आपको प्राइजेस बताते हैं. बट आज जो करने वाले हैं उसमें हम लोग जाने वाले हैं डायरेक्ट फार्मर्स के पास और वहाँ से करेंगे हम लोग हमारे पूरे वीक की ग्रॉसरी शॉपिंग. तो डू वॉन्ट टू सी कि आखिर नेदरलैंड्स में आप फार्मर से डायरेक्टली शॉप कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स गो. आ गए हम लोग हमारे फर्स्ट स्टॉप पे. और ग्रॉसरी शॉप करने जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो चाहिए रहती है पूरे हफ्ते? एटलीस्ट मुझे और सौरभ को तो चाहिए ही रहती है, क्योंकि मैं पीती हूँ दूध और सौरभ पीता है बहुत सारी चाय, तो इसलिए दूध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और आपको आवाज़ आ रही है क्या? पीछे आए हैं हम लोग ऐसी जगह जहाँ पर मिलता है दूध और यहाँ पर है बहुत सारी गाय, तो आपको फ्रेश मिल्क मिलेगा. और नेदरलैंड्स तो फेमस है ही अपने दूध और चीज़ के लिए. चीज़ को यहाँ बोलते हैं कास. तो लेते हैं यहाँ से फ्रेश दूध. और यहाँ पे रखी है बहुत सारी गाजर भी. तो क्या काऊ भूसे के साथ साथ गाजर भी खाती है? मुझे तो नहीं पता. अगर आपको पता है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ये गाजर क्या गाय खाएगी. बट यहाँ है बहुत सारी काउस. वहां पर थी छोटी काउस, इधर है बड़ी वाली काउस. तो आपको अंदर से दिखाते हैं. आज तो हम ग्रॉसरी शॉपिंग करना है, मगर आप चाहते हैं कि हम ये पूरा आपको पूरा फार्म दिखाएं और काउस दिखाएं और कैसे ये लोग इन काउस को संभालते हैं और कैसे दूध निकालते हैं. अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा एक वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो देन विल आस्क देम एंड वैसा एक वीडियो बनाएंगे. बट अभी जाते हैं और लेते हैं मिल्क और कुछ चीज़ अगर बन गया तो. बट मिल्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लेट्स गो. मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है शॉप और उसके अंदर मिलता है सारे डेयरी के प्रोडक्ट्स. और अंदर चलते हैं और शॉपिंग करते हैं दूध की. वेट कर रहे हैं हम लोग. ये जो पीछे देख रहे हैं ये सब चीज़ है. सो दूध आ गया है फ्रेश बिल्कुल. 1 लीटर का है ये कांच का बॉटल. और जैसे इंडिया में नहीं करते हैं ऐसे निकाल के ऐसे, बिल्कुल वैसे ही डाला. हम शूट नहीं कर पाए बट 1 लीटर का ये दूध है और सिर्फ 1 यूरो 25 सेंट्स में आ गया है फ्रेश मिल्क. और अब घर जाके सौरभ इसे चाय पिएगा और मैं मस्त दूध पीऊँगी. अब चलते हैं दूसरी जगह और वहाँ से लेते हैं कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स. लेट्स गो. आ गए हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे और ये भी है एक फार्मर शॉप. वैसे ये जो फार्मर शॉप है ये थोड़ी अपग्रेडेड है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर ने
जिससे ग्रॉसरी शॉप होती है ना, बिल्कुल वैसी ही शॉप बनाई है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये अपग्रेडेड फार्मर शॉप कैसी है। उससे पहले एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए मस्त, अभी बहुत ठंड है इसलिए उनके अभी तक पूरे ये दिख रहे हैं वुलन, नहीं तो अभी हटा देंगे जैसे ही समर्स आएगी। बट आज सनी डे है इसलिए सब बाहर है, नहीं तो सब एनिमल्स अंदर रहते हैं। अंदर चलते हैं। ये है नेदरलैंड्स का फ्लैग। इंडिया का फ्लैग तो आप सब जानते ही हैं, नेदरलैंड्स का फ्लैग में ये तीन कलर्स हैं जैसे इंडिया के फ्लैग में है। सो रेड वाइट और ब्लू है, इंडिया से थोड़े डिफरेंट, बट दिस इज नेदरलैंड्स का फ्लैग। यहाँ पे रखे हैं सारे जूसेस और मैंने ले लिया है ऑलरेडी जो मुझे चाहिए, क्रैनबेरी और एप्पल का। नाइस कलर राइट, क्रैनबेरी का। घर जाके बताऊंगी आखिर टेस्ट कैसा है। वैसे प्राइस अगर बात करें तो ये वाला तो सिर्फ है 2 यूरोस का, दिस इज़ ओनली फॉर 2 यूरोस, रुपीज़ में मैंने प्राइस लिख दिया है। क्रैनबेरी एंड एप्पल जूस। यहाँ पर रखी है सारी दाल, ये देख रहे हैं, दिस इज़ मसूर का दाल पूरा, अगर कट जाता है तो थोड़ा अलग कलर ऑरेंज दिखता है। दिस इज़ दैट, यहाँ पे ये ब्लैक वाला लेंटल का मतलब काली दाल, चावल रखे हैं, छोले रखे हैं। एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखी थी, तो ये तो पक्का यहाँ इस फार्मर से नहीं आ रहा है। यहाँ पे रखा है चना मसाला तो दो लोगों के लिए चना मसाला बनाना हो तो यहाँ मसाला रखा है। ये इंडिया के फार्मर से आ रहा है? नहीं, एक्चुअली यहाँ सूरीनामी लोग भी बहुत रहते हैं, और सूरीनामी लोग जो होते हैं ना उनके बारे में मैं कभी और बताऊंगी, वो इंडिया से काफ़ी मैच करते हैं उनका कल्चर। या और इधर बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, ये कितना डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल है। सी दिस, ये क्या है आपको पता है क्या? बहुत ही ब्यूटिफुल है। ब्रोकोली है, पपरिका है, और प्राइस ऑफ कोर्स थोड़ा कम है ग्रॉसरी शॉप से। आलू प्याज यहाँ रखे हुए हैं, तो ये आलू 1 kg का 3 यूरोस का मिल रहा है। और अनियंस यहाँ पे रखे हैं, दिस इज़ लहसुन, अनियंस जैसे रखे हैं तो 500 ग्राम्स का 1 euro 25 cents का मिल रहा है। ये सारे आलू प्याज का सेक्शन है, उधर देखेंगे तो वो सारे वेजिटेबल्स का सेक्शन था। हम दूध डायरेक्ट फार्मर से लेकर आ गए हैं, उन वहीं की शॉप से जहाँ पे काउस थी, बट यहाँ पे भी फ्रेश मिल्क मिल रहा है और वो रखा है ऐसे नीचे, दिस इज़ ऑल फ्रेश मिल्क। और हम लोग ले रहे हैं बनानास और ये बनाना है पर केजी 2.79 यूरोस का। देखिए आपने, मोर भी थे यहाँ पर, तो सामान ले लिया हमने, जूस और बनाना वो उधर रखा है, यही दो चीज़ें ली। आप सोच रहे हैं कि इन दो चीज़ों से अगर हमारा हफ्ता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, बट हम और भी शॉपिंग करने वाले हैं इसलिए हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले रहे हैं। चलते हैं अब एक और स्टॉप पे। आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉप, और वो नेक्स्ट स्टॉप क्या है? दिस बुधराय ऑटोमार्ट। बुधराय यानी होता है नेदरलैंड्स वर्ड है एक्चुअली, तो उसका मतलब है फार्म, और ऑटोमार्ट मतलब मशीन। तो मिलेगा क्या यहाँ पर? उसको देखने के लिए अंदर जाना होगा और देखना होगा ये मशीन को। वैसे ये जो जगह है ये ओपन होती है 7 से 9 बजे तक,
तो बाकी जो दुकानें हैं जहाँ पे हम लोग गए थे फार्म शॉप्स पे, वो बंद हो जाते हैं 4 बजे या 5 बजे, ये 9 बजे तक खुला रहता है। बट ये फार्म मशीन, ये क्या है? लेट्स फाइंड आउट। तो मेरे पीछे है वो मशीन। मशीन क्या है? जैसे अपनी एटीएम मशीन होती है और अपन उससे अपन अपना कार्ड डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, वैसे ही कुछ मशीन। या जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो एयरपोर्ट्स पे दिखती है वैसी मशीन जिसमें आप डालते हैं अपना कार्ड और पानी निकाल लेते हैं, जूस निकाल लेते हैं, वैसे ही है ये मशीन जहाँ पे आपको अपना कार्ड डालना होगा और फिर नंबर्स के अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चीज़, जूस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो निकालते हैं, यहाँ से करेंगे हम शॉपिंग सारी अपने वेजिटेबल्स की। तो टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर है, यहाँ देखेंगे आप तो ये सारे हैं आर्द एप्पल्स। आर्द एप्पल्स क्या होते हैं? आलू। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कितने केजीज का है, ये 5 केजीज का है, ये भी 5 केजीज का है, इधर लिखा है कि ये 2.5 केजी का है, जैसे ये वाला है ये 2.5 केजी का है, और यहाँ ऊपर भी उसका इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। और आलू मतलब आर्द एप्पल बताई दिया है। यहाँ सारे जूसेस रखे, बट जूसेस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आपको पता है। यहाँ पे कीवी है, ब्लूबेरी भी है और कैरेट्स हैं। मैं और सौरभ ना सलाद में कैरेट्स बहुत खाते हैं, तो कैरेट्स भी है। ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स तो डेफिनेटली बाय करने वाले हैं हम लोग। बीटरूट है, बीटरूट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बट बीटरूट भी, चुकंदर, चुकंदर समथिंग, वो भी है, बीटरूट है। ये सारा चीज़ का सेक्शन है। ये है स्ला, स्ला बोलते हैं इसको, विच इज़ बेसिकली सैलड में काम आता है। नेदरलैंड्स में स्ला बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं अब इसको। ये है ब्लूम को मतलब फूल गोभी ये है फूल गोभी। और एप्पल्स रखे हैं, यहाँ अनियन रखा है, शिमला मिर्च रखी है जिसे पपरिका बोलते हैं, और टोमेटोस, और यहाँ एग्स हैं, और यहाँ पूरे टोमेटो रखा है और हनी रखा है। सो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन डिवाइडेड है। और हम बाय कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये मशीन लगी है। सो दिस इज बेसिकली, ऐसे ऑनलाइन बाय करते हैं तो ऐसे यहाँ पे नंबर्स प्रेस करना है और आपके शॉपिंग कार्ट में जाता जाएगा। तो जैसे हमने अभी, हम 2 ही लोग हैं, 5 किलो आलू तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो वैसे तो हम 1 केजी भी बहुत होता है, बट अभी इसमें मैक्सिमम 2.5 केजी ले सकते हैं। सो 2.5 का है 226, सो यू जस्ट हैव टू डू दिस 226। तो आलू आ गया और उसका प्राइस यहाँ दिखने लगा है 1 यूरो 90 सेंट्स, और ये आपके शॉपिंग कार्ट में आ गया। अभी और क्या बाय करना था? लेट्स बाय ग्रेप्स। सो ग्रेप्स है 169 और 168, सो लेट्स बाय 169 वाले ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, सो लेट्स बाय 169। सी, वो है 2 यूरोस 50 सेंट्स के, और वो भी हमारे शॉपिंग कार्ट में ऐड हो गए हैं। सो ऐसे हम बाय करेंगे। और अनियन भी लेते हैं, तो अनियन ये वाले ले लेते हैं ऊपर वाले, विच इज 96। सो 96 अनियन इज एडेड। तो 3 चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने बाय कर ली और वो 5 यूरो 80 सेंट्स के हैं। सो ऐसे करके और देखते हैं और फिर बाय करते जाते हैं। सो बहुत सारा सामान ले लिया, फुल शॉपिंग कार्ट भर लिया है सारी चीज़ें ले लिया, कुकुम्बर ले लिया है और अनियंस चेंज कर लिया एक्चुअली, क्योंकि पिंक अनियंस चाहिए थे, वाइट वाले नहीं। और पूरा टोटल बिल इतने सारे वेजिटेबल्स लेने के बाद आया है सिर्फ 12 यूरो 70 सेंट्स। तो पे करते हैं और फिर एक के बाद एक कैसे मशीन से निकलती है, मशीन से नहीं निकलेगी, ऐसे खोल खोल के लेनी होगी, देखते हैं। बट पहले पे करते हैं, लेट्स पे पेताल। Did you see that? एक एक करके सारी ओपन हो गई जो जो है। तो हम लोग हमारा बैग लेकर आते हैं और फिर उसमें भरते जाते हैं। सो आई विल गो एंड ब्रिंग द बैग। ये आया हमारा आलू बाहर, लेट्स कीप इट हियर।
और इसे करते हैं बंद। और था हमारे ग्रेप्स। बोलते अनारसला चलो बाहर चलते हैं। पूरी सब्जियां। थैंक यू। बहुत सारे वेजिटेबल्स हम लोगों ने ले लिए और जाते जाते हमें दिखा ये रजिस्टर। सो वी वर लाइक इस रजिस्टर में क्या लिखा है? तो एक्चुअली लोग यहाँ पे फीडबैक लिख रहे हैं कि उन्हें ये मशीन कैसी लगी और यहाँ के अंदर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल रहे हैं वो आखिर कैसी लगी। शुड वी ऑल्सो राइट इट? लेट्स राइट इट। तो लिख दिया है मैंने, मैंने लिखा है हम लोगों ने एक्चुअली ग्रेप्स ऑलरेडी टेस्ट कर लिए जैसे ही मशीन से आया ना बाहर। हम लोगों ने ग्रेप्स टेस्ट किया और बहुत अच्छा है। तो हम लोग को एक तो ये मशीन बहुत अच्छी लगी प्लस ग्रेप्स भी बहुत अच्छी लगी। सो वी आर सुपर हैप्पी। आपको लगता है ऐसी मशीन्स और भी जगह होनी चाहिए? आई तो थिंक इट इट्स सो सुपर ईजी टू टेक आउट एंड सो गुड फूड इन हियर, मतलब वेजिटेबल्स इन हियर। चलते हैं बाहर। दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जूस हो गया, अब क्या बचा है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉप एंड फाइंड आउट। और वेजिटेबल्स कैसे निकलते हैं मशीन से वो तो देख लिया। अब आए एक ऐसी जगह जिसका नाम है मोई। मोई यानी क्या होता है? वो होता है ब्यूटीफुल, क्योंकि आए हैं हम एक ब्यूटीफुल सी जगह जहां पर ब्यूटीफुल से फ्लावर्स निकलेंगे और वो भी एक मशीन से ही। और वहां पे लिखा भी है हेलो स्प्रिंग। स्प्रिंग जस्ट आने ही वाली है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी वीडियो में बहुत बार। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत सारे अच्छे बुकेस। तो अगर आपको अपने किसी फ्रेंड्स के लिए देने या खुद के लिए भी लेने हैं, इट्स रियली अ नाइस प्लेस। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स आते हैं। सो ये है यहाँ पे ट्यूलिप्स, और ट्यूलिप्स यहाँ 9 यूरोस के हैं। बट यू लुक एट द रोजेस, ये तो अभी थोड़े बंद हैं, बट लुक एट द रोजेस, सी ह्यूज। ये बुके अगर आप देंगे, हाउ ब्यूटिफुल, और कितना डिफरेंट सा कलर है, पेस्टल कलर। हम नहीं ले रहे हैं, हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर आ जाए थे। बट ये जो दिख रहा है ना पीछे मेरे इधर, ये ग्रीन हाउस है और उधर भी ग्रीन हाउस है। तो अगर हुआ तो अंदर चल के देखते हैं, बाई चांस अगर अंदर जा सके तो आपको अंदर से दिखाते हैं। तो रोड क्रॉस करते हैं और ग्रीन हाउस की तरफ जाते हैं। वो ग्रीन हाउस तो बंद था तो इसलिए वहाँ जा नहीं पाए, पर हमने जो वेजिटेबल्स खरीदे, जो फ्रूट्स खरीदे, वो नेदरलैंड्स में आखिर आते कहाँ से हैं? तो इन फार्म लैंड से आते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑलरेडी फार्म लैंड को प्लाउइंग कर दिया है, मतलब जोत दिया है। तो प्लाउइंग हो चुकी है, सीडिंग हो चुकी है क्या? लेट्स सी, शायद हो भी चुकी है, आई तो कांट अंडरस्टैंड इट, बट प्लाउइंग तो हो चुकी है डेफिनेटली, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था यहाँ ट्रैक्टर्स थे और वो उसको ठीक कर रहे थे। वैसे लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तब मतलब लास्ट ईयर यहाँ पे आलू उगा था। तो इधर आलू उगा था, उधर ना गोभी उगी थी, और उधर जाके ना भुट्टा, कॉर्न का फील्ड्स था। और ऐसे पूरे जगह यहाँ पे ऐसे फार्म लैंड्स हैं और वो रहा ग्रीन हाउस। तो नेदरलैंड्स है तो छोटी सी कंट्री, बट यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स यहाँ पे उगते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये ग्रॉसरी शॉपिंग का वीडियो? डिफरेंट था क्योंकि हमने ग्रॉसरी शॉपिंग किसी ग्रॉसरी शॉप से नहीं करी, डायरेक्ट फार्म पे के पास, फार्मर्स के पास जाकर करी। तो आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि नेदरलैंड्स में आखिर फार्मर्स से आप ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है देसी कपल ऑन द गो, और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मैक्स।
See you in our next video. Till then, bye bye. वैसे मैं बताऊंगी जब इसमें आ जाएगा आलू मोस्ट लाइकली तो मैं आपको वापस बताऊंगी. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या यहाँ पे आलू आया कि नहीं आया. बट बाय फॉर नाउ.